बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इफ्राज किचन। और आज हम बनाएंगे आपके लिए चने की दाल का हलवा। और चने की दाल का हलवा बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमने लिया चने की दाल, तकरीबन हमने एक कप लिया है बड़ा, और इसको हमने ओवरनाइट पानी में भिगो दिया था। एक कप भी हमने चीनी ली है और पाव हमने लिया है देसी घी। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चने की दाल को उबाल लेंगे। इसको हमने बिल्कुल पानी ना बस खुशक कर लेना है, थोड़ा थोड़ा रह गया, ज़्यादा पानी ना हो उसका। और ये हमारी दाल बॉईल हो चुकी है अच्छी तरह। और ये चने की दाल हमारी बॉईल हो चुकी हुई है आराम से। ये पीस बस इसको ज़्यादा खुश्क नहीं करना, इतना इतना पानी इसमें रहने देना है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। सारा पेस्ट हमने ऐड कर दिया हुआ है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। हमने इसको इतना भूनना है कि इसका कलर जो है वो येलो से ब्राउन हो जाए। हमारी भुनाई चल रही है और हमें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए, बट अभी हमने इसको मज़ीद भूनना है। हमारा कलर चेंज होना शुरू हो चुका हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे। और ये हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा लें, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालें, और चाहें तो इसकी टुकड़ियाँ बना लें। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हलवे को हमने ट्रे में सेट कर दिया हुआ है। अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी लगा दें। ये हमारा चने की दाल का टुकड़ी हलवा रेडी हो चुका हुआ है। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इसे यम गुड तो कर दो, अच्छा गुड़ तो कर दो, जम है, बादाम है, अच्छा अच्छा जम, अच्छा जम तो कर दो ऐसे।